जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने जैसे ही 68 रनों से इंग्लैंड को हराया तो ये विजुअल्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर। मतलब रोहित शर्मा स्टेडियम में ही जब मुकाबला जीती टीम इंडिया तो थोड़ा फेस उनका लग रहा था कि इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन वहां पे अपने आप को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और जैसे ही ड्रेसिंग रूम आए तो रोहित शर्मा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और वो यहाँ पर इमोशनल हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे। और आप देख रहे होंगे इन विजुअल्स में कि पहले विराट कोहली, फिर एक एक करके सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, सभी खिलाड़ी उनको समझाते हुए, उनको सांत्वना देते हुए। और भाई बहुत प्राउड मोमेंट है यार। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने आपके सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ सबको देखा है खेलते हुए, कप्तानी करते हुए। मैंने कुंबले की कप्तानी भी देखी है, द्रविड़ की भी देखी है, अजरुद्दीन की भी देखी है, बड़े बड़े क्रिकेटरों को देखा है, अपना सौरभ गांगुली की, एमएस धोनी और विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सभी की मैंने कप्तानी देखी है। लेकिन यार जो कप्तानी में खास बात है ना रोहित शर्मा की, वो किसी की मैं नहीं देखी। इतना जबरदस्त कप्तान है, मतलब एक होता है ना 100%, अगर 100% से भी ज्यादा कुछ होता है ना तो अपनी कप्तानी में वो लगाता है रोहित शर्मा। भाई इतना इन्वॉल्व होके, इतना इमोशनल होके, मतलब एक एक चीज के लिए उसके अंदर जज्बात है। और मुझे ये चीज साफ दिखाई देती है कि रोहित शर्मा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप। वो चाहते हैं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वर्ल्ड कप मुझे अपने देश के लिए जीत के दिखाना है। और यही उनका सपना है। और वो कहते भी हैं कि बचपन से मैंने एक ही सपना देखा है कि बस इस आईसीसी ट्रॉफी को उठाएं, वर्ल्ड कप जीतकर अपने देश को सम्मान दिलाएं। तो भाई वर्ल्ड कप जीतने का जिस तरीके से जोश जुनून रोहित शर्मा में दिखाई देता है, मैंने कभी किसी में नहीं देखा। और वही हुआ आज, जैसे ही सेमीफाइनल मुकाबला जीते इंग्लैंड से, पहुंच गई टीम फाइनल में, रोहित शर्मा इमोशनल हो गए और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। और रोहित शर्मा का ऐसा विजुअल्स देख के यार, मतलब हमारे भी अंदर इमोशंस आ जाते हैं, हमें भी लगता है कि यार रियली में हमें प्राउड फील, हमें भी लगता है कि यार हमें ना बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे देश की क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी है, रोहित शर्मा जैसा लीडर है। मतलब किस तरीके से वो टीम को मैनेज करता है। और सभी ये चीज़ बोलते हैं जो टीम के आसपास रहते हैं कि भाई टीम का एटमॉस्फेयर, माहौल इतना ज़बरदस्त है रोहित शर्मा की कप्तानी में कि वो हमने कभी किसी की कप्तानी में नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि और भारतीय कप्तान जो रोहित शर्मा से पहले थे वो अच्छे कप्तान नहीं थे, वो भी अच्छे कप्तान थे, लेकिन रोहित शर्मा उन सबसे भी बहुत ज़्यादा मच बेटर, यानी कि बहुत अच्छे कप्तान है। तो रोहित शर्मा अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, आप हमारे कप्तान हैं, हमारे देश की आन बान शान है। और एक मुकाबला और बचा है, बस एक दिन बीच में है, फिर हम बारबाडोस में हराएंगे साउथ अफ्रीका को 29 जून को और भारतीय तिरंगा लहराएंगे और रोहित शर्मा और पूरी टीम को अपनी सर आंखों पर बिठाएंगे। रोहित शर्मा प्लीज बी केयरफुल, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है और सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।